जनपद संभल की चंदौसी में संभल तिराहे पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चलाया गया। इस समय प्रदेश के सभी जनपदों में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी के तहत जनपद संभल में भी परिवहन विभाग और यातायात पुलिस विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कर रही है। इसी के तहत आज जनपद संभल की चंदौसी में संभल तिराहे पर एक हेल्पिंग सोसाइटी के माध्यम से वाहनों पर निःशुल्क रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे ARTO अमरीश कुमार ने बताया कि इस समय प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस पूरे माह में हम लोगों के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी के तहत आज चंदौसी में संभल तिराहे पर वाहनों पर निःशुल्क रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद जिन वाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं पाया जाएगा उनके विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जाएगी। क्या कहेंगे इसके बारे में? आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि दिनांक 21 तारीख से 20 फरवरी तक एक माह का सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में। 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया लखनऊ में। इस पूरे माह हम लोग हर दिन अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए से प्रेरित है। इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के इन्फोर्समेंट की कार्रवाइयाँ हैं, वाहनों पे कोहरे में जो रिफ्लेक्टर लगाने के लिए सड़कों पर कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि वाहनों में रिफ्लेक्टर नहीं लगे होते हैं, तो उसी के क्रम में आज हम लोग वाहनों में फिलहाल रिफ्लेक्टर अपनी तरफ से लगवा रहे हैं। इसमें हमारी NHAI की टीम है, एक हमारी स्वयंसेवी संस्था है और उसके अलावा हमारी अपनी पूरी यातायात की टीम है। आज हम लोग लगा रहे हैं, इस पूरे माह हम लोग लगाएंगे। उसके बाद भी जिन वाहनों में नहीं पाता है उन गाड़ियों पर परिवर्तन की कार्रवाई भी की जाएगी, चालान की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जनपद संभल में जो दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके और जिससे कि आम जनमानस में यातायात नियमों के प्रति प्रचार प्रसार किया जा सके।